हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो सब? आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज है 7 जुलाई और आज है मेरी छुट्टी, इसलिए मैं लेट से सो के उठ रही हूँ। क्योंकि जब भी छुट्टी होती है ना तो थोड़ा लेट से ही उठती हूँ मैं, क्योंकि ऐसे टाइम तो मिलता नहीं है। देन उठने के बाद मैं यहाँ पे खिड़की वगैरह ओपन कर देती हूँ ताकि घर में ठंडा ठंडा हवा घुस सके। खिड़की खुलते ही वेदर देखो गाइस, बाहर का बहुत अच्छा मौसम था, बिल्कुल भी धूप नहीं थी। देन उसके बाद आप लोग को तो पता है कि मैं रोज़ गर्म पानी पीती, तो वही गर्म पानी किया पिया। उसके बाद में फिर मैं जब भी घर में होती हूँ ना तो अपने बाल में, मतलब उठने के बाद में अपना बाल कोम करती हूँ। ऐसे मैं बहुत कम कोम करती हूँ अपने बाल को, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं गाइस। जितने बार भी झाड़ू ना तो मेरे बाल गिरते हैं, इसलिए मैं बहुत कम कोम करती हूँ। और घर में होती तो मेरी हैबिट है कि मैं सुबह उठ के पहले बाल, मतलब पानी वानी पी के मैं अपना बाल ये करती हूँ। तो यहाँ पे मैं बाल में सीरम लगा रही हूँ, क्योंकि विदाउट सीरम के तो मेरे बाल बिल्कुल भी मैनेज नहीं होते गाइस, ऐसे ही टूटते हैं। अगर नहीं लगाऊंगी तो पता नहीं क्या होगा। वैसे मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा लंबे हैं, और ये लंबे सिर्फ और सिर्फ मेरी मम्मी की वजह से, क्योंकि मेरी मम्मी चाहती कि मैं बाल ना कटाऊँ। उनको लंबे बाल बहुत ज़्यादा अच्छे, एक बार कटा लिया तो काफ़ी गुस्सा करती, इसलिए उसके बाद से मैं कटाना ही छोड़ दी। और ये देखो गाइस, बाल झाड़ने के बाद बाल इतने सारे गिरते हैं, क्या ही बोलूँ। हमेशा जब भी झाड़ो इतना इतना ही गिरता है, आप ही लोग बताओ क्या ये सही है। उसके बाद मैं ब्रश करने चली गई थी, क्योंकि मुझे मार्केट, जब भी मेरी छुट्टी होती है ना तो मैं मार्केट जाती हूँ ताकि थोड़ा सब्जी वगैरह, आलू वगैरह का नहीं रहता तो वो लेके आके रख देती हूँ मैं। और सिलेंडर भी एक ख़त्म हो गया, वैसे तो हमारे घर में 2 सिलेंडर है छोटे वाले, तो एक फुल करके रखते हैं ताकि दूसरा ख़त्म हो जाए तो प्रॉब्लम ना हो, तो मैं वही देने के लिए जा रही हूँ। अरे देखो गाइस, मतलब क्या ही बोलूँ, धूप को भी मुझसे जैसे दुश्मनी है। मतलब उतने टाइम से छाव था, मैं जब घर से बाहर निकली तभी भी था, पर जैसे ही मैं बाहर निकली वैसे ही मतलब धूप आ गया। बताओ देखो, वो भी कितना ज़्यादा। सिलेंडर दे के मैं आ गई थी मार्केट करने के लिए, क्योंकि सिलेंडर एक दिन बाद देंगे भैया, तो मैं आ गई थी मार्केट करने के लिए। काफ़ी सारी सब्जी है गाइस यहाँ पे, देख सकते हो। यहाँ पे ना बहुत तरह तरह की भाजी भी मिलती है, मुझे तो आधा समझ में भी नहीं आता है कौन सा भाजी है, मैं इसका नाम क्या है। और यहाँ पे फिश भी बहुत तरह तरह का मिलता है, मुझे तो फिश भी पता नहीं चलता है कौन सा नहीं। देन मार्केट ही कर रही थी कि अचानक से गाइस मौसम चेंज हुआ, और देखो कितनी जोर की बारिश हो रही है, और ये बारिश बहुत देर तक चला, बहुत देर तक गाइस। आज तो मैं फंसी गई थी बाहर जाके, मतलब जब मैं बाहर गई थी तो काफ़ी, मतलब जब मैं घर से बाहर निकली तो धूप आ गया था, मतलब थोड़ा भी मुझे नहीं लगा थोड़ा देर के लिए भी कि बारिश होगा, वो भी इतना जोर का। सडनली मौसम चेंज हुआ और सडनली इतनी जोर की बारिश हो गई, कितना देर तक गिरा गाइस, क्या बोलो। 11:30 बज गए मेरे यहाँ बारिश का बंद होने का वेट करते करते, बट काफ़ी देर लगा उसको बंद होने में, बट वो बंद हुआ। एक्चुअली मैं चाहता भी भूल के चले गया, जो बाहर धूप था तो मुझे लगा कि छाता की क्या ज़रूरत है, बट मैं भूल गई, ये बारिश का मौसम है तो बिन बुलाए कभी भी कहाँ से भी आ जाता है, तो एवरी टाइम चाचा कैरी करना चाहिए कहीं भी जाने से। कोई बात नहीं, होता है होता है ना। तो घर आ गई हो जैसे तैसे, फटाफट घर आई मैं। थोड़ा सा मतलब बारिश पूरा बंद नहीं हुआ था, हल्का सा एक एक बूंद टाइप जैसे, एकदम हल्का हल्का सा जो रेन होता है वो से गिर रहता था। मैं आके सामने मार्केट, सामने ज़्यादा दूर नहीं है, तो मैं फटाफट से घर आ गई। और आते वक्त फ़ोन भी मैं अंदर अच्छे से पैक कर, क्योंकि यार ऐसे ही बारिश का टाइम है, फ़ोन उन खराब हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आते वक्त मैं नाश्ता भी खरीद के लेके आ गई हूँ, पूरी सब्जी यहाँ पर मिलता है। आपको बताया गया यहाँ पर 10 का 4 पूरी देता है, आज के टाइम में 10 का 4 पूरी कौन देता है, बट ये लोग देते हैं। वो भी सब्जी भी बहुत मस्त, मतलब देते हैं मटर आलू का सब्जी देते हैं, और बहुत अच्छे से बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि 10 का 4 पूरी दे रहे हैं तो सब्जी गंदा सा बनाया, पानी पानी बनाया, सब बिल्कुल नहीं। रुके, मैं आपको दिखाऊंगी तो, बट नहीं, ये लोग बहुत अच्छे से बनाते हैं। तो बस जो जो खरीदना तो मैं खरीद ली थी सब्जी वगैरह। सब्जी में ज़्यादा कुछ मैं ख़रीदती नहीं हूँ, क्योंकि हम लोग घर पे रहते नहीं है रेगुलर, और सब्जी ख़राब हो जाता है कभी। हम लोग मतलब हम लोग जब आते हैं ड्यूटी के टाइम से, शाम के टाइम पर सब्जी वगैरह मिलता है हम, मतलब इस साइड में, तो आते वक्त हम लोग खरीद लेते हैं रोज़। ऐसे रोज़ मतलब एक हफ्ता का ऐसे स्टोर करके नहीं रख। हाँ, आलू प्याज मैं थोड़ा ज़्यादा खरीद के रख लेती हूँ, वो काम आ जाता है, बट बाकी सब्जी ख़राब हो जाती है तो वो नहीं करती हूँ, मतलब नहीं खरीदती हूँ। तो
अभी मैं क्या करूँगी, चाय बनाऊँगी, उसके बाद करूँगी नाश्ता। तो चलो ब्लॉग बने रहो आप लोग। फटाफट से चाय बना के मैं यहाँ पे बैठ गई थी नाश्ता करने के लिए, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम है गाइस। और सब्ज़ी इतनी ज़्यादा डिलीशियस थी, क्या बोलूँ, बहुत मस्त लगा खाने में। फटाफट से खा के मैं यहाँ पे अपना काम में लग गई थी। तो यहाँ पे जो भी सब्ज़ी वगैरह लेके आया था वो मैं उसको सेपरेट करके रख रही थी। तो यहाँ पे मैंने एक टुकनी लिया था, मैंने आपको दिखाया था बहुत पहले ही कि सब्ज़ी वगैरह रखने के लिए, तो उसी में मैं आलू प्याज वगैरह रख रही हूँ। आलू मैंने थोड़ा ज़्यादा ही लेके आया, प्याज कम लेके आया, क्योंकि बारिश के टाइम में ना प्याज ख़राब हो जाते थे, इसलिए वो ज़्यादा लेके नहीं आया। बट आलू ज़्यादा लेके आ गया क्योंकि वो अच्छे भी मिले मुझे। और सब्ज़ी में मैंने यहाँ पे तुरई और केले ही लिए, क्योंकि सब्ज़ी मोस्टली हम लोग को मिल ही जाता आते वक्त, तो आलू और प्याज ही हम लोग ज़्यादा लेके रख लेते हैं। वो सब करने के बाद मैं यहाँ पे सब्ज़ी कट कर रही हूँ। तुरई मैंने अच्छे से कट कर लिया है, और फटाफट से खाना बनाने के टाइम में फटाफट से बन जाएगा। सब्ज़ी पहले से कट के रख करके रख दो तो दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पे चावल वॉश करके मैंने बैठा दिया है बनने के लिए, और जब तक वो बनेगा तब तक मैं यहाँ पे अपना जो बर्तन है वो क्लीन कर लूँगी। क्योंकि गाइस हम लोग बर्तन थोड़े से ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग 8 बजे तक ऐसे आते हैं घर, तो दोनों ही थक के आते हैं, तो जितना काम होता है करते हैं। बाकी अगर वो घर में रहती तो वो कर देती, मैं घर में रहती तो मैं कर देती। बर्तन भी मेरे धुल गए, यहाँ पे चावल भी रेडी हो चुका है, तो अब फटाफट से बना लेंगे तुरई की सूखी सब्जी। सब्जी भी बोल सकते हो, भुजिया भी बोल सकते हो, क्योंकि कोई मसाला वगैरह इसमें पड़ेगा नहीं, भुजिया टाइप ही बनेगा। तो यहाँ पे सरसों के तेल में प्याज और मिर्चा को फ्राई करके उसके बाद में यहाँ पे आलू डाला है मैंने इसमें, तो आलू को भी मैंने थोड़ा सा फ्राई किया। उसके बाद यहाँ पर मैंने तुरई ऐड कर दिया। साथ में ऐड करेंगे यहाँ पे हल्दी और नमक, और इसको इसमें से ना मतलब बहुत ज़्यादा मतलब पानी निकलता है, तो वो सूखने तक इसको पकाना होता है। सॉरी मैं आपको दिखाना ही भूल गई। और उसके बाद ना मैंने यहाँ पे उड़द दाल की क्या बोल रही हूँ गाइस, मैं भी उड़द दाल बड़ी की सब्ज़ी बनाई थी। मुझे ना उड़द दाल बड़ी की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस, तो वो बनाया मैंने। उसके बाद खाना रेडी होने के बाद में मैं यहाँ पे घर क्लीनिंग करने के लिए आ गई थी, तो फटाफट से जो चादर वगैरह थे वो फोल्ड रोल करके जगह में रखे। झाड़ू वाड़ू करने के बाद घर भी अच्छे से पोछ लिया। यहाँ पे जितना बार भी झाड़ू करो, जितना बार भी पोछा करो, कहाँ कहीं ना कहीं से बाल निकलने लग जाते हैं, मतलब क्या ही बोलूँ। ऐसी यहाँ पे मार्बल लगा हुआ है ना, इस वजह से जितना भी क्लीन करो गंदा ही लगता है मुझे घर। और यहाँ पे सब कुछ करने के बाद यहाँ पे जो खिड़की का जो स्पेस होता है ना यहाँ पे, तो उसमें उसको भी क्लीन करती, क्योंकि यहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा है गाइस, मतलब क्या ही बोलूँ। हर एक 2 दिन बाद देखोगे ना तो इस यहाँ पे डस्ट हो जाता है, तो उसको भी मैंने क्लीन कर लिया अच्छे से। उसके बाद ये देखिए सारा क्लीनिंग मेरा हो चुका है ख़त्म। रूम भी अच्छे से क्लीन हो गया, किचन भी हो गया, खाना भी रेडी है। तो अब मैं जाऊंगी नहाने के लिए, क्योंकि घर तो क्लीन कर दिया, अब खुद को क्लीन करना बाकी है। तो फटाफट से जा रही हूँ नहा के, भूख भी लगी है गाइस, घर क्लीन करते करते थोड़ा सा टाइम भी हो गया। और नहा के आके मैंने यहाँ पे फटाफट से पूजा कर लिया। एक्चुअली घर में नहीं रहते तो पूजा भी नहीं होता है, तो जब भी नहाते हैं पूजा कर लेते हैं। उसके बाद खाना वाना खा के थोड़ा सा रेस्ट की, उसके बाद आई मैं कपड़ा सुखाने के लिए। तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही थी गाइस। उसके बाद मैं नीचे गई और चाय बनाया, साथ में खाया ये टोस्ट। मुझे चाय के साथ मतलब कुछ लेना ज़्यादा पसंद अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसे खाली चाय पीना मुझे पसंद नहीं है, तो मैं तो कुछ लेती हूँ साथ में। वैसे यहाँ पे हमारे घर के पास में शादी हो रही है गाइस, इस वजह से मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ। और ये वीडियो भी 2-3 दिन बाद ही लाइव होगा, क्योंकि यहाँ पे माइक वगैरह वगैरह बज रहा, तो वॉइस ओवर नहीं कर पाऊँगी इसलिए। और छुट्टी का दिन मेरा ऐसा ही गया, और मोस्टली हर छुट्टी का दिन मेरा ऐसा ही जाता है, क्योंकि हम मैं और कंचन कहीं जाते नहीं है घूमने के लिए। छुट्टी का दिन होता है थोड़ा घर वगैरह क्लीनिंग करते, क्योंकि बहुत थक जाते हैं गाइस ड्यूटी से आने के बाद में, तो थोड़ा रेस्ट करते हैं, और जो बाकी का जो टाइम बचता है उसमें हम लोग थोड़ा घर वगैरह क्लीन कर लेते हैं। बाकी अगर कहीं जाती हूँ तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर।